राधा जी अम्मा, और राधा जी अम्मा समझे? हाँ समझे, समझे राम राम। राधा जी अम्मा, तेरे को एक काम करना है। जी आइए समझी जी, क्या देख रही हो? कह रहे नहीं, मतलब ये कह रहा था मैं, देख रहा मेरे मामू? नहीं ना देख रहा हूँ मैं, समदिन मेरी बात सुनो, ऐसा है मैं यूँ देख रहा हूँ कि इतने दिनों बाद मिली है समदिन मुझे, तो तब से लेके अब तक बिल्कुल ऐसी नूरानी है। और का नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल अच्छी लग रही है समझे मुझे। हमारी क्रांति देवी अगर तुम्हें कहीं से पकड़ लेगी तो तोड़ देगी। बस ये है कि मुझे इनको देख करके मुझे मेरी वीरवती की याद आ गई। दूसरे बात करा मुझे, दूर से बात करो, ऐसा केवल एक छूने का हक मुझे है कि नहीं? प्रेम बात करता हूँ मैं अपनी औरत से। अब तेरा काम ये है, क्या कहते हैं, प्रेम उधर मत दे, तेरा पहलवान इधर है, ऐसा कर एक लोटा दूध ले, कम से कम 2 लीटर होना चाहिए। भैंस काट दी तूने, मारेंगे ये तो जिंदगी से भी मारे जाएंगे किसी दिन। मेरा कहने का मतलब ये है, इतने सारे बाधा मुनक्का लेके पीस के सिल पे और तैयार रख, और जब हम आए तो गरम गरम दूध में डाल के दी, और तेल गरम कर दियो सरसों का, उसमें लहसुन, उसमें लहसुन, और देख सुन ये इनने अलग से इनका तेल है जो इनकी बहन ने दिया, इसमें से 4 बूंद तेल उसमें मिला, और ये पकड़ इनका बस्ता, और मैंने ना चलो चला चलो अखाड़े पे दिखा के लाऊं। चलो मेरे पास, अरे अखाड़ा नहीं देखना मुझे, ये पकड़ो, मैं तो समदन को देख के वैसे ही ठीक हो गया। ठीक हो गए, पीटी मार रहे हो अब तो तुम, तुम्हें ऐसी कसरत कराऊंगा, ये पकड़ो, अभी तो बैठ की जरूरत पड़ेगी चलने में। अरे 2 गिलास दूध लेके आइए राधा जी अम्मा, जब तक तुम मेरे संग आओ घेर पे बैठो, आओ आओ। रुको, ये चौधरी साहब समझ लो, जब से वीरवती गई है तब से जान खत्म हो गई मेरी भी और उसकी भी। उसकी उसकी किसकी, क्या कह रहे हो? मेरे बच्चों की। बच्चों की मतलब क्या? बच्चे बच्चों को अकेला छोड़ गई वीरवती। उनसे ज्यादा तो मुझे तुम परेशान लग रही हो। हाँ तो मैं यही वाली बात कह रहा था कि बच्चे भी अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे भी अकेले हैं, बात सही है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है जीवन में कभी कभी कि जिंदगी खराब हो जाती है आदमी की, अब करना क्या है भाई, जब चली गई वीरवती तो चली गई, हमें भी बड़ा अफसोस होता है उनके जाने का। बताओ, दे देती थी कभी कभी हमें दूध पी लो। हाँ दूध पियो, दूध पियो। समझन के हाथ का दूध? समझन के हाथ का नहीं है, भैंस का दूध है। अच्छा समझन को दूध ना है? नहीं समझन, बकवास करवाऊं तुम पे, लो पियो, बादाम चबाते रहना समझी जाऊं, अगर साफ उठ चलेगा तो 10 तो अटक जाएंगे। मजा आ रहा है ना? देखो ये गाँव का दूध, तुम्हारे यहाँ का थैली का दूध, उसमें पानी आता है, पाउडर मिला आता है, इसमें देखो मजा आ गया होगा तुम्हें, है का नहीं? समझी जी, खाने में क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? समझन तुम जो चाहो तो वो खा लेंगे तुम्हारे हाथ का। अच्छा है, क्या कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं ऐसा कर, इनको इनको कोई फरमाइशी चीज मत बना। अरे नहीं, मैं राजमा की सब्जी बना दिया। राजमा की सब्जी बना ली है ना? चावल थोड़े से रोटी। अरे का चावल का बनाए? अरे खा लेंगे समझी, बहुत मैं चावल से पतले हो जाएंगे, चावल डायबिटीज बढ़ाता है, कोई मत दियो चावल। ऐसा करियो, इनके लिए पनपति रोटी बना, कम से कम 8 रोटी पनपति जी सर, जो पड़ गए गोदरा मार के, 8 खानी पड़ेंगी, जब तो बनेंगे तुम्हारे ठाट। अरे तुम ये बताओ, इनको बिस्तर कहाँ लगा दूंगी? समदिन जी मैं तो कह रहा हूँ अपने पास ही लगा लो, और तो और अपने पास ही सुला लो मुझे। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बकवास कर रहे हो, हमारी आ गई? अगर ज्यादा बकवास करी ना तो सांड बंदी पड़ी है मेरे पास, 8 उन्हीं सांडो के पास बिस्तर लगा दूंगा तुम्हारा, और ऐसी ऐसी जगह मालिश होगी उन सांडो से, समझ लो तुम फिर किसी के पास नहीं जाने लायक रहोगे। इनका बिस्तर नहीं लगा दे घेर में, घेर में लगा दे, मेरे पास सोएंगे, इनकी मालिश भी तो करनी है अभी, और तेल गरम हो गया? हाँ हो गया, कटोरी पकड़ के लिया। अरे अभी मत देंगे यार, रात को जो है झम्माटे में पिलवाऊंगा तुम्हें। झम्माटा? हाँ झम्माटा, झम्माटा जानते हो? मुझे ना बता। झम्माटा देखो हमारा ये घेर है, बाहर निकलोगे तो कंडा का बिटोरा बनना है। हाँ। करवा दिया मैंने खाली अंदर से। अच्छा, बलब बलब नहीं है उसमें, अंधेरे में आराम से घुस के उसी में पियेंगे, उसी में। ना ना ना, मैं नहीं पीऊंगा उसमें। अरे उसमें सांप बच्चू निकल गया तो मैं यही पीऊंगा। हम पे भी जो है सांप, छोड़ देंगे अपना घर में पाल रखा है मैंने।
उसकी कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा थोड़ा पछाड़े यही पी लेते हैं और चलो तुम्हारा मन है तो यही पीना तुम लाइट फिलहाल मालिश पहले करूंगी या दारू पहले पियोगे ये बताओ। दारू पिलवाओ मुझे फिर मालिश करवाओ फिर मालिश होगी। ओके ओके क्रांति देवी जी उनका नाम आ जाता है मुझे यार प्यार बहुत करता था। क्रांति देवी क्रांति देवी ये हंसती बहुत है। अरे का कह रहे खाए पिए की दे ये बड़ी आंख मार रहा मुझे देख के। अरे आंख नहीं मार रही का है वो बीमारी बीमारी आंख की। एक काम कर तेल तो जो गरम कर दिया उसे रख दे किचन में ऊपर उठाकर तिखाल में। ठीक है तिखाल में रखने के बाद दो गिलास और देख मेरे उसमें देसी पौए पड़े हैं दो। अच्छा दोनों पौए निकाल ला। अच्छा ले जा समझी जी को पिलाऊंगे। हाँ देसी पौए मरवाऊंगा समझे तुम भी पी लो। देसी पौए मारा समझे पी ली नहीं समझे नहीं पी दे। अच्छा अच्छा अरे लेमो ना मिले पौए पौए गिलास मिले है पौए नहीं मिले नमो ना मिले स्टील की में पियोगे मजा आ जाएगा कंडी हो जाती है सिल्वर को। अच्छा हाँ अब एक काम करना पौए नहीं मिले ना बोतल लगती है आरएफ की अंग्रेजी की पी ले दे। अंग्रेजी आरएफ की बोतल लगती है लौंडा दे गया था। अच्छा है ना बहुत ज्यादा का लौंडा दे गया था वो आरएफ की बोतल लगती है और एक पौए मार लिया उसने। अच्छा ऊपर बैठ जाओ प्यार करके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरकार बिल्कुल बैग को रख दो जरूरत पड़ने नहीं दूंगा। ले बोतल सामने। हाँ बोलो कैसे आदत है तुम्हें। मैं कह रहा हूँ सूखी मार लेते हो आग फोड़ दूंगा। बहुत आग मार रहे हैं तुम्हें ना दिख रही है अब तो। हाँ प्यार आग बाप बहुत ज्यादा पाली है सूखी मार लोगे। हैं सूखी मार लूंगा नमक है दुनिया बदल जाएगी तुम ना बदलेंगे वो अच्छी आदत है। मोहब्बत में समझे पानी ले आओ पानी लेके ठंडा सा ले आओ जग में घड़ी में से पानी ला बोतल ले आओ पानी फ्रिज में फ्रिज के पानी में मजा नहीं आ रहा ठंडा चिल ले आओ एकदम ठंडा चिल ले लिया तू इनके चक्कर में आ रही है मुझे पता है फ्रिज में मैं पानी नहीं पीता फ्रिज में घड़े का पानी पीता हूँ। गरम कर रही है टुपका के रखता हूँ प्रभु पानी तो आया दो समझे ना चिल्ला रहे ले पानी और समझे तेरी अरे समझन तेरी चू आ गाल आई चू गांव में दुकान खुल गई बहुत बढ़िया समदन तेरी आगे मारूंगा मैं तो समदन तेरी पौ समदन तेरी पौ इसमें बन नहीं रहा मुझे अब तुम बानी करो फिर बनाऊंगा चढ़ गई है इन्हें अभी तो पी भी नहीं है इन्हें। अरे चढ़ते जा रही है बार बार खसवे सामने तो मेरे सामने घड़ी ना बजा जा बार बार इनके सामने मैं आया करती बार तो ना हूँ मैं अरे समधन मुझसे प्यार करती है इसलिए बार बार मेरा दीदार करने आती है वो आहूत प्रेत बूढ़े बिछड़े आहूत प्रेत भोले बिछड़े थानों को दे रहे हो नहीं नहीं तो एक मेरे भोले बिछड़े हैं जो जितने भी है एक मारो ये कैसा मुंह बना रही हो भैंस की पिछवाड़ी जैसा। अच्छा ये गोबर जब भैंस जब गोबर करती तो ऐसे ही मुंह बन जाता है एक ही में ढीले पड़ गए तुम प्यार की कह रहे थे कुछ मैं प्यार तो कह रहा था क्या कह रहे थे अब ये समझ लो तुम के तो मैं तुम्हें बताऊं ये कर लो ना ये समझ लो कि समझन बहुत अच्छी लगती है मुझे बस ये समझ लो अब तुम एक बैग और बनाओ तुमने अपने लिए नहीं बनाया। हाँ बनाया कौन है ये लोन बैग भैया पीऊंगा बिल्कुल पीऊंगा मजा आ रहा है फुरफुरी आ रही है क्यों तो गिर क्यों रही हो अभी तो बहुत कुछ बचा दे और हमें खत्म करनी है अब ये समझ लो चौधरी कि जब ये बहू घर में आई हमारे ये समझ लो कि
मेरी रोम रोम तितर बितर हो गया है। मैं जो है मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी जो बहू है बस वो मेरे लिए रहे। अच्छा, बस यही चाहता हूँ मैं। बस मैं तो और तो और ये और सुन लो मेरी बात चौधरी। अरे ये वो मैं है ना जला लेता हूँ कभी कभी, इसकी मुझे अच्छी लगती है। कर दी बंद, बंद कर दी, अंधेरे की वजह से जला ली थी। अच्छा, तो चौधरी सुनो, मैं तो ये चाहता हूँ कि बहू को कस के पकड़ूं, अपनी जिंदगी का जो सुख मुझे नहीं मिल पाए, जो वीरवती मुझे नहीं दे पाई, वो सुख मैं अपनी इस बहू से लेना चाहता हूँ। और मेरा बेटा नगर निगम लबाड़ी वो मार रहा था, उसे क्या पता। लेकिन मैं जानता हूँ बहू के अंदर की जो बात है, अरे वो बोली तो नहीं सकती। जरूरत क्या होती है चौधरी, एक 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 महिला को एक पुरुष की, मैं जानता हूँ और मैं दूंगा उसे। तुम देखना चौधरी, अगर बारिश हो गया इस घर में मेरी वजह से, मेरा बेटा तो छूट ही आएगा। और तो बस ये समझ लो चौधरी, मेरे जीवन की सारी खुशियां बारह। और तो और समझन पर भी दुरागा चौधरी मेरा समझन। का मतलब मेरा सखी एकदम सही था, जो मेरी बेटी ने कहा एकदम उसने सही कहा। मन तो ऐसा करता है इस हरामजादी का गला घोट कर इसको यहीं की यहीं दफन कर दूं, लेकिन नहीं, इसकी सच्चाई इसकी बेटी के आगे आना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। बहुत दर्द है आज सर में चौधरी, चौधरी और चौधरी साहब, ये समझ लो कि रात तो तुम कहाँ चले गए, मैं बाद में देखा तुम्हें, तुम मिले ही नहीं। देखो मेरे सर में हो रहा है दर्द, दूध दूध का बादाम बादाम का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम करो यार। नाश्ता बताओ, तुम तो लेके आए थे मुझे ऐसे। नाश्ते की जगह मन तो ऐसा करता है कि चार झूठे मारूं, वो भी तुम्हारी गाल पे। एक नंबर के बेशरम और कमीने किस्म के आदमी हो तुम, क्या करते हो तुम है? एक बेटी जैसी बहू को जो तुम्हें अपना पिता मानती है उसके साथ तुम गलत संबंध बनाने की कोशिश करते हो। अरे चौधरी कैसी उसको नहाते हुए देखते हो? अरे आओ चौधरी, कैसी बातें कर रहे हो तुम है? तुम हमारी गलती बता रहे हो और तुम्हें अपनी बेटी की करतूतों का पता नहीं है? अरे तुम्हारी बेटी खुद मेरे पास आती है, समझ गए? मैं तुम ऐसा करता है इस गले को यहीं की यहीं दबा कर तुम्हें दफन कर दूं। हाँ, लेकिन नहीं, कर दो। लेकिन नहीं, तुम्हारी सच्चाई जब तक तुम्हारी बेटी के सामने नहीं आ जाएगी, जब तक तुम बाहर, हम भी देखेंगे सच्चाई। चौधरी बदतमीजी नहीं, चौधरी राधा, इतनी बदतमीजी से तुम लेकर के आए हम? राधा दादी मेरे बेटे, ये क्या तरीका है, ये बदतमीजी कर रहे हैं हमसे, क्या हुआ है? शर्म नहीं आती इसे? अरे ये मुझसे लेगा कह करके कि मैं वहां बैठाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, हम बेइज्जत हो रहे हैं वहां, हम जूते खाने के लिए, अरे लड़के वाले झुकेंगे थोड़ा ही। और देखो बद बन के खड़े हुए हैं, जैसे कितने बोले जानते ही नहीं है। और तो और रात को उन्होंने मुझे शराब पिलाई मेरे बेटे। क्या तुम्हें शराब पिलाई? हाँ पिताजी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है? वो तो एक हद है कि इन्हें केवल जलील किया है। अगर मेरी बेटी का ये घर ना होता ना तो तुम्हारा पिता जिंदा लौट कर नहीं आता। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं, बकवास ये कर रहा है। तो मेरे पिताजी पे गलत, अरे रुक जा, वो तो वो जो है वो क्या नाम है उसका, अरे अगर वो मुच्छड़ अगर तुम्हारी बेटी को ना दिखवाता, अगर वो बिचौलिया ना बनता था, ऐसे घर में हम अपने बेटे की शादी नहीं। पिताजी रुको, ये बात की बात है, पहले ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो है? ये तरीका होता है कोई? ये आदमी नहीं जल्लाद है, हम जल्लाद है। पिताजी अपनी जवान को लगाम दो। जवान तुम को? मैं तो अपनी जवान को लगाम दे दूंगा, लेकिन ये चाहते हो ना? हाँ, आखिर बात क्या है? राधा सबूत दिखाओ, सबूत। हाँ पिताजी। राधा जी, क्या हो मेरी बेटी? राधा ये देखो, एक मिनट,
चुप हो जा तू। एक मिनट, बोल रहा था क्या करता था ये आदमी? बोल, डरने की जरूरत नहीं है तुझे। रवि, मैंने आपको बताया था ना कि पिताजी मुझे कल टच करते हैं। ओ, देख ले, दोनों बाप बेटे सलाह मशवरा करके आए बेटे। हाँ, ये इनको तू भी चली आ यहाँ से, मैं बेटे की शादी कर लूंगा। क्या क्या हरकतें हुई इस घर में तेरे साथ? रवि, पता है जब मैं बाथरूम में नहाती थी तो पिताजी चुपके से आके मुझे देखते थे। क्या बकवास कर रही तुम? अपने पिताजी को बुला के मेरे पिताजी पे इल्जाम लगा रही तुम? शर्म आ गई नहीं? मैं सच कह रही हूँ रवि, तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते हो? अगर मैंने इसके साथ ऐसी कर दूते की और कहीं की, तो क्या सबूत है? सबूत क्या है? सबूत देखना चाहती हो ना तुम? पुलिस बुला कर डंडे पड़वाऊंगा। डंडे? तुम्हारे पिछवाड़े पर से मांस तक नहीं हटवा दिया ना? देख ले बेटे, बदतमीजी। बदतमीजी, यही जानना चाहती हो ना आखिर सबूत क्या है? तो सुनो, इनकी करतूत है। मेरा बेटा नगर निजम्मा इस जम्मा के लपाड़ी, मैं ऐसे जाता हूँ कि बहू को कस के पकड़ू, अपनी जिंदगी का जो सुख मुझे नहीं मिल पाए, जो वीरवती मुझे नहीं दे पाई, उस सुख में अपनी इस बहू से लेना चाहता हूँ। अच्छा, बंद करो। तुम देखना चाहते हो और सुनो ना, क्या हुआ तुम और ये सोचते हो अपनी बहू के बारे में? अरे ये तो तुम्हारी बेटी समान है। मुझे क्या पता था ये राधा मुझसे सही कह रही थी? मुझे क्या पता था तुम घर में अपनी बेटी की बहू के बारे में ये सब सोचते हो? मुझे शर्म आती तुम्हें अपना बाप कहने में। अरे ये तो तुम्हारी बेटी समान है। हे, तू इस घर में अभी एक मिनट नहीं रुकेगी। चौधरी साहब, ये घर, ये जायदाद तुम्हें मुबारक हो। जहां मेरी बीवी रहेगी मैं वहां रहूंगा, मैं भी इस घर में नहीं रह रहा। नहीं बेटे, रवि, चौधरी साहब। क्यों आए हुए? चौधरी साहब, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए मैं आया हूं। मुझ जैसा पापी इंसान ही इस दुनिया में कोई और होगा? चौधरी साहब, मुझे फांसी लगवा दो। मैं चाहता हूं कि मैं जीवन पर्यंत जेल में रहूं, क्योंकि मैंने जो कर्म किए हैं वो माफी के लायक नहीं है। चौधरी साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मैं कहूं प्यार मेरे, मैं जानता हूं चौधरी साहब, लेकिन गलतियों को भुलाया तो नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि वो गलती कभी दोबारा वापस नहीं होगी। देखिए, माफी मांग, माफी आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? मैंने तो बस वो फर्ज अदा किया है जो हर बाप अपनी बेटी के लिए करेगा। जब उसके साथ गलत होगा तो वो बाप ढाल बनकर अपने बच्चों के आगे आएगा। अगर माफी ही मांगनी है तो उन बच्चों से मांगो जिनके आप गुनहगार हो। मैंने तो बस अपनी बेटी के लिए उसका फर्ज अदा किया है। राधा, दामाद जी, ये इंसान यहां क्या कर रहे हैं? और तुम्हारी आने की यहां जरूरत कैसे हुई? अरे तुमने तो मेरा घर परिवार सब उजाड़ दिया। बेटे, मैं माफी मांगता हूं तुझसे। माफी मांगने की जरूरत मुझसे नहीं है। मैंने जैसे कर्म किए हैं मुझे सजा तो मिलेगी, पर तू तो अपने पिता को माफ कर दे। अरे एक पिता हाथ जोड़ के तेरे आगे खड़ा हुआ है, और तो और तेरा पिता तेरे लिए झुकेगा। पिताजी, बेटा रवि, तुम समझदार हो, अगर तुम ही ऐसी बातें करोगे तो कहाँ जाएंगे ये? बुढ़ापे में हर बाप को, हर पिता को, हर माँ को अपने बच्चों के लिए जरूरत होती है। और देखो सुनो, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करना तुम्हारा फर्ज है। बेटे, मैं माफी चाहता हूँ। बहू, रवि, पिताजी को माफ कर दो। माफ कर दो रवि, गुनहगार से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है, और ये तुम्हारे पिता है, कोई अनजान व्यक्ति नहीं। आज तुम इन्हें माफ करोगे तो शायद हो सकता है कि उन पिताओं को गाली ना मिले। अच्छा बेटा, माफ करो।
चौधरी साहब, मैं अपने बच्चों को लेने आया हूँ। हाँ, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर भेज। बिल्कुल, राधा की माँ। ले जाओ के बच्चों को, मैंने सब सुन लिया है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। जा बेटा, मेरा घर और संसार वही है। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है चौधरी, ठीक। हाँ कोई नहीं बेटा, अच्छे से आओ राधा, और अब आते जाते रहा करो। अरे बिल्कुल पिताजी, चलिए ठीक।